साउथ आरपीएफ की कस्टडी में अनिल मड़ावी की हुई मौत। हत्यारा कौन? चंद्रपुर के विरू स्टेशन से 8 जुलाई को साउथ आरपीएफ ने अनिल को लिया था हिरासत में। 5 दिनों से अनिल मड़ावी था आरपीएफ की कस्टडी में। 8 जुलाई से हिरासत में लिए हुए अनिल को साउथ आरपीएफ ने कोर्ट में क्यों नहीं किया पेश? मृतक अनिल मड़ावी के शव पर है मारने के घाव। आरपीएफ की हिरासत में किसने की अनिल से मारपीट? देखिए हमारी पूरी खबर। साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह चौकी में अनिल मड़ावी नामक शख्स की मौत की खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। आज हम आपके सामने अनिल मड़ावी की मौत से जुड़ी हुई अंशुल जी कड़िया खोलेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अनिल को मौत की आगोश में सोना पड़ा, तो सुनिए। विदर्भ लाइव 24 को मिली जानकारी के मुताबिक बल्लाशाह से सटे विरूर रेलवे स्टेशन से हाई वोल्टेज तार की चोरी होने की जानकारी साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग को मिलती है। जानकारी पर से साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग जांच में जुट जाती है और 8 जुलाई को कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिसमें विरूर स्टेशन का अनिल मड़ावी भी होता है। हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारणवश कोर्ट ले जाना मुमकिन नहीं होता है तो उसकी जानकारी कोर्ट को पहले से ही देनी पड़ती है, किंतु इस मामले में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके विपरीत आरोपियों को आरपीएफ कस्टडी में मारपीट की गई, ऐसा आरोप अब लग रहा है। सुनिए अनिल मड़ावी के माता जी को। आपके लड़के की मिर्गी आती थी क्या? फिट नहीं चांगलस होता। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं पाहिजे मला कमवाचा पोरगा गेला तर आता मी मला कोण पोसल कोण आधार आहे तो एकटाच एक होता पोरगा। आर पी एफ वालों के साथ ये कुछ इन्क्वायरी होना चाहिए क्या? इन्क्वायरी झालं पाहिजे माझं पोराले मला नाही भेटलं पाहिजे माझं पोराचं कसं अन्याय केलं तसं त्याने उभं करून विचारलं पाहिजे। आवाज जोर नाही ना सांगता पोलीसवाले नेले आर पी वाले। अनिल मड़ावी की माताजी के मुताबिक अनिल मड़ावी को कभी मिर्गी का दौरा नहीं आया। वो मजदूरी के काम को जाता था और 50-50 किलो वजन का सामान उठाता था। ऐसे में साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग ने जो कहानी बनाई है उसमें कितनी सत्यता है ये वही जाने। साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग के मुताबिक 12 जुलाई को आरोपियों को पकड़ा गया था, जिन्हें आरपीएफ चौकी में रखा गया था। सुबह होते ही अनिल मड़ावी को मिर्गी का दौरा आता है। इतना ही नहीं, आरपीएफ साउथ के मुताबिक मिर्गी के दौरे के बाद अनिल को बल्लाशाह के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, किंतु वहां इलाज नहीं हुआ और चंद्रपुर ले जाते समय अनिल ने दम तोड़ दिया। ये थ्योरी आरपीएफ की ओर से बताई गई है, किंतु मीडिया से कुछ भी कहने से आरपीएफ साउथ के अधिकारी बच रहे हैं। साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग की ये थ्योरी अपनी जगह पर ठीक हो सकती है, किंतु हमारे कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। जब किसी अपराधी को हिरासत में लिया जाता है तब उसका मेडिकल करना अनिवार्य होता है। क्या आरपीएफ ने अनिल का मेडिकल उस समय किया था जब उसे हिरासत में लिया गया था? किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को बुक करने के पश्चात उसके फिंगरप्रिंट लेने अनिवार्य होते हैं। क्या आरपीएफ ने अपना ये कर्तव्य पूरा किया? और हाँ, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल आरपीएफ साउथ के बल्लाशाह विंग से ये है कि आरोपियों को जनावरों जैसे मारने का राइट्स इन्हें दिया किसने है? क्योंकि अनिल मड़ावी की माताजी के मुताबिक अनिल के शव पर मारपीट के काफ़ी घाव है। साउथ आरपीएफ की बल्लाशाह विंग की बेरहम मारपीट से अनिल मड़ावी की मौत हुई है, जिस पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरपीएफ साउथ के बल्लाशाह विंग को हिरासत में लेकर जाँच करने की आवश्यकता है। टीम VL24 न्यूज़।